फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज की लिस्ट के बारे में, वो भी 2018, 2019 और 2020। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये आप लोगों में से ही किन्हीं 5 लोगों की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है फराज खान, साहिल मंसूरी, नोमान साजिद, अकरम रहमान और निलॉय। चलिए, और आपको बता दें कि जो फराज खान है वो इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने फादर को, इमरान हाशमी को और मुझे। तो फराज खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इमरान हाशमी की जो पहली मूवी हो सकती है उसका नाम होगा कैप्टन नवाब, जो आ सकती है 2018 में भी आ सकती है या 2019 में भी आ सकती है। और इस फिल्म को एंथनी डिसूजा डायरेक्ट करेंगे। इसमें इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आएंगे और ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म नंबर 2 जो पूरी तरह से कंफर्म है, मूवी का नाम है चीट इंडिया और ये आएगी 25 जनवरी 2019 को। इस मूवी को सौमिक सेन डायरेक्ट करेंगे। इसमें इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आएंगे और ये एक ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म नंबर 3 होगी मर्डर 4, जो आ सकती है 2019 में। इस फिल्म, ये जो फिल्म है, ये मर्डर सीरीज की, मर्डर फ्रेंचाइजी की 4th फिल्म होगी। इस फिल्म को विक्रम भट्ट डायरेक्ट करेंगे। इसमें इमरान हाशमी और एली अवराम लीड रोल में नजर आएंगे और ये एक थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म नंबर 4 होगी टाइगर्स, जो आ सकती है 2019 में भी या 2020 में भी। इस फिल्म को डेनिस टेनोविक डायरेक्ट करेंगे। इसमें इमरान हाशमी, खालिद, गीतांजलि थापा और सुप्रिया पाठक लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे और ये एक ड्रामा फिल्म होगी। वैसे जो ये फिल्म है टाइगर्स, इसकी शूटिंग जो है वो 2014 में ही कंप्लीट हो चुकी थी और इस फिल्म को 2014 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसको जो प्रीमायर दिखाया गया था वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, लेकिन इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली रिलीज डेट की कोई भी हरी झंडी नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।